के आए हैं और क्या खाएंगे? आपने तो मुझे लगता है 10-12 डब्बे हजम कर दिए होंगे। जितना खाया जाएगा उतना खाएंगे ना। दिल्ली गुजरात जिंदाबाद। मजेदार है, इतना मजेदार है कि हम इधर पिछले 1 घंटे से खड़े हैं और हमारा ये 3रा डिब्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिफ बहारी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली गुजरात। नाज़रीन, जान है तो जहान है, ये बात आपने सुनी होगी, और जान बनती है खाने पीने से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ा ही चटपटा और मज़ेदार प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल डेली गुजरात अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। खाने पीने की बात हो तो पहला नंबर पंजाब का आता है, और पंजाब के खाबों की अगर बात हो तो गुजरांवाला को कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक जाल बिछा हुआ है यहाँ पे खाबों का। आज हम बड़े एक स्पेशल पॉइंट पे मौजूद हैं जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा, सामने लिखा खान बनू बीफ पुलाव। ये खान बनू बीफ पुलाव है, ये चांदा किला गुजरांवाला में मौजूद है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्यों इतना पसंद करते हैं, और यहाँ के जो ऑनर हैं जिन्होंने ये डिश तैयार की हुई है उनसे भी बात करते हैं कि वो ऐसा क्या फार्मूला लगाते हैं कि लोग खिंचे चले आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके खाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खान साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पे खान बनू पुलाव पे क्यों आते हैं? बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, इसलिए बहुत दूर से पेशावर से आए हम। आप स्पेशली पेशावर से आए? पेशावर से आए। इतना ये फेमस हो चुका है इनका ये खान बनू बीफ पुलाव है, पेशावर से आप लोग यहाँ पे बनू से ये खाने आए हैं यहाँ पे। और भाई आपको यहाँ पे गुजरांवाले में बाकी खाने पसंद है, बस यही पॉइंट है? यही पॉइंट है, इधर ही आते हैं। अच्छा, इसकी ये वजह तो नहीं है ये खान साहब के नाम पे है तो आप? नहीं, ये वजह नहीं है। खाना अच्छा है, खाना अच्छा, खाना अच्छा। साथ दोस्त मौजूद हैं जो अभी खा रहे हैं पुलाव, तो उनसे पूछते हैं कितना मज़ेदार है भाई ये? सर ये इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि हम इधर पिछले 1 घंटे से खड़े हैं और हमारा ये 3रा डिब्बा है। लगातार आप खाए जा रहे हैं? हम ये सोच के नहीं खा रहे कि हमने पेट भरना है, इस चीज़ का टेस्ट ही ऐसा है कि जुबान से उतरता ही नहीं है। वाह वाह नाज़रीन, अब तो क्या कहते हैं कि मुँह से पानी आ रहा है, जिस तरह भाई तारीफ़ कर रहे हैं दूसरे भाई से बात करते हैं। जी भाई आप बोलें। जनाब आप जानते हैं कि गुजरांवाला का एक नाम है खाने में, ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा परफेक्ट है, लेकिन आप गुजरांवाले में किसी भी पॉइंट में खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ के खाने ऐसे नहीं है कि वो बंदा के यार नाक चाटता हो कि मतलब नहीं यार। बिल्कुल ये बात सही भाई ने की है कि खाने पीने की बात हो और गुजरांवाला का जिक्र ना आए ये हो ही नहीं सकता, और जितना ये लोग खा सकते हैं कोई भी नहीं खा सकता। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो खान बनू बीफ पुलाव खाने आते हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, उनमें से एक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। भाई आपको क्या पसंद है इनकी डिश में? गोश्त पुलाव बहुत अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, कोई एडम सलाम सलाते हैं, बहुत मज़ेदार है ना, इस वजह से तलवंडी मुझसे खाना है। कहाँ से आए? कसरूर रोड से। पसरूर से, जैसे पहले हमने बताया कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे इनका पुलाव खाने। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल जी आप इनकी डिश में क्या खास चीज़ देखते हैं? गुजरांवाला में और भी बहुत हैं बैप पुलाव वाले, लेकिन हमें वो जायका जो यहाँ से मिलता है वहाँ से नहीं मिल रहा। हमने सब के खाया लेकिन नहीं, हमें वो जायका नहीं मिला जो इनके पास है। तो आप पसरूर से हैं? पसरूर से ये अंकल भी आए हैं, और ये जब भी इनका जैसे ही आप आते हैं तो इधर आप खाना खाते हैं या स्पेशल आप खाने आते हैं? अच्छा, सारी गैदरिंग हुई है, सारे दोस्त मिलके जिस तरह हम आउटिंग के लिए जाते हैं, ये इनकी आउटिंग है और वहाँ से ही आए हैं स्पेशल ये बिरयानी खाने, इनका पुलाव जो है खाने। अच्छा भाई आप कुछ कहना चाहें? कुछ भी नहीं, खाने अच्छा खाने के लिए आए हैं और क्या खाएंगे? आपने तो मुझे लगता है 10-12 डब्बे हजम कर दिए होंगे। जितना खाया जाएगा उतना खाएंगे ना। कितना खा सकते हैं आप? एक डब्बा। इसका मतलब है आप गुजरांवाला के लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो तो इधर एक भाई थे, उन्होंने 4 डब्बे भी खाए हैं, वो खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। अच्छा सर आप बताएं इनकी डिश के बारे में। जी इनका पुलाव बहुत अच्छा है, हम बहुत दूर से आते हैं, दूर से आते हैं खाने, तकरीबन दूसरे दिन तीसरे दिन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर रहा चलूँ, जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं आया हूँ गुजरात से, आप लोगों का अपना चैनल है डेली गुजरात नाम है, आप लोगों ने यूट्यूब पे इसको सर्च भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, और फेसबुक पे आपने फॉलो भी करना है। जहाँ से खान साहब ये डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, पैकेट बना के दे रहे हैं, पैकिंग हो रही है, वहाँ पर आए हूँ, वो इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह तैयार करते हैं। सर कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह सर जी आप सुनाए। अच्छा आप ये क्या सिलसिला है, आप इसको तोल के देते हैं? आधा किलो किलो का पैकेट होता है ये? सर जी हमारा किलो का हिसाब है, 400 रुपए किलो देते सर जी, आधा किलो 200 देते स्पेशली सर जी। स्पेशल ये है ये कि किसी का स्पेशल नहीं है? बिल्कुल स्पेशल ही सर जी। तो आप इसमें क्या यूज़ करते हैं जो लोग इतनी दूर दूर से खाने आ जाते हैं, हमें भी बता दें जरा, देखने वालों को, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आप ये बताएं कि आप इसमें फार्मूला क्या यूज़ करते हैं जिससे लोग इतने प्यार से इतनी शिद्दत से आते हैं खाने आपसे? सर जी इसमें स्पेशल मसाले डालते हैं और स्पेशल फ्रेश बीफ डालते हैं और चावल अलग क्वालिटी का डालते हैं और मसाले जो सब्जी हमारा अलग क्वालिटी के सर। कोई जादू वाली चीज़ तो नहीं डालते जो खाते हैं तो लोग दोबारा आ जाते हैं? नहीं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मियार को सही चलाते हैं, अपने मियार के मुताबिक बनाते हैं। इधर अभी एक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारा अभी मुसलसल तीसरा डिब्बा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो आप करते हैं, आप बता दें आई सबको। नहीं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का निज़ाम है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जी मियार अच्छी बनाते हैं ना, बाकी इंशाल्लाह भी आपकी दुआएं लोगों की दुआएं भाई जी। अच्छा हान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अभी तक क्या चीज़ें की हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से, तो वो कह सकते हैं? मैं पूरा पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं पूरा पाकिस्तान कितना हुआ मुसलमान में उसके लिए वेलकम करता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फ्रेश डालते हैं, गोश्त भी फ्रेश डालते हैं, इसका डॉक्टरी होते हैं, फिर मैं ज़बह करता हूँ, सब कुछ फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा मियार भी देखो सब कुछ, फूड वाला से 30 से भी अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं खुश और शुक्र हूँ, गुजरावाला का अवाम बहुत अच्छे है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खुश रखे। ये हॉनर है यहाँ के जो हान साहब का ये पुलाव मशहूर है, यहाँ के हॉनर हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को दावत दे रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे भी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं लेकिन जो लोग अभी तक नहीं आए वो हमारे पास आएँ और हमारी डिश जो है टेस्ट करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हान बन्नू बीफ पुलाव के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, उनके साथ हम यहाँ पे बैठे हैं तो उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मोहम्मद नोमान। नोमान साहब ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ 6 साल हो गए हैं, इनकी जो मेन ब्रांच है टी चौक रवात उधर से मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुजरांवाला में भी 12 ब्रांच है, बनू में भी हमारी ब्रांच है और इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद लाहौर में हम बत्ती चौक में भी ओपनिंग कर रहे हैं। सुन लें जनाब, गुजरांवाला में 12 पॉइंट इनके इस चीज़ के और बन्नू से तो इनका स्टार्ट है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा नुमान साहब ये बताएं कि जो आपके जो हॉनर हैं ये कब से यहाँ पे कब से कर रहे हैं काम? यहाँ से उनको 1 साल 2 महीने हो गए। वैसे ये जो कारोबार है उनका 1990 से स्टार्ट है, 1990 से इनका यही कारोबार है। इनके वालिद या बड़े उनके जो सरपरस्त आजीज जानदेव साहब जिनकी हर जगह पिक्चर होती है, ये उनका कारोबार है। 1990 से उनका मतलब ये काम शुरू किया हुआ है उनका। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 है, अभी तो उनके बेटर जो हैं वो इस कारोबार को वो करते हैं, टोटल मैनेजमेंट टोटल वो करते हैं, जो आजी साहब होते हैं वो खुद मेन जो ब्रांच है रवात में वो। अच्छा हान साहब का ये जो सिलसिला है ये 30 साल पुराना है, 1990 से ये कारोबार कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं आपको पता है क्या डालते हैं कुक आपके इसमें? वो सर किचन में जो होता है वो। नहीं आप कभी शेफ से गपशप नहीं लगाई? नहीं नहीं इस तरह नहीं, मेरा जो काम है वो होटल का काम है, होटल में मैनेजमेंट टोटल वो मेरे पास है। आपने सारी लेबर को आपने रन करना है? जी टोटल जितना भी होटल जो सेल वो सब कुछ मेरे अंडर, जी वो सब मेरे अंडर है, जो किचन में है वो दूसरा बड़ा भाई होता है। अच्छा ये बताएं कि आजकल क्या सूरत है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें आप कैसे चीज़ें मैनेज कर रही हैं? सीटिंग तो बिल्कुल बंद है तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें और अपने जो स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कस्टमर तो आते हैं तो आप उनके लिए क्या सहूलियात दे सकते हैं जो मुमकिन है तो आप दे रहे हैं क्या कर रहे हैं? देखो जी लॉकडाउन के मुताबिक हम SOPs को पूरा फॉलो कर रहे हैं और हम सिर्फ इधर पार्सल और डिलीवरी दे रहे हैं, अंदर हम कस्टमर को नहीं बैठा के खिला रहे क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। और इस लॉकडाउन की वजह से हमारे कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कस्टमर तंग करते हैं बैठाओ, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए हम नहीं बैठाते, सिर्फ पार्सल और डिलीवरी देते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि कुछ लोग लालच कर जाते हैं कि चोरी आप सीटिंग रख लें, लेकिन ये SOPs तो मुकम्मल फॉलो कर रहे हैं और साथ उन्होंने सीटिंग, अगर गवर्नमेंट ने बंद की है तो इन्होंने सीटिंग भी बंद की हुई है, सिर्फ पार्सल और डिलीवरी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा सर आप जो पूरे पाकिस्तान से लोग देखेंगे आपको, ये आपका अपना चैनल है डेली गुजरात, पहले तो आप डेली गुजरात के बारे में कुछ बात कहना चाहें तो आप ज़रूर।
सबसे पहले तो मैं डेली गुजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती टाइम ज़ाया करके हमारे पास आए और हमें इस चीज़ का मौका दिया है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद भी गुजरात को, डेली गुजरात जो ये है, इसको मैं दावत देता हूँ कि लॉकडाउन के बाद हमारे होटल पर आए और एक अच्छा प्रोग्राम बनाए। ले जी, हमारी कमिटमेंट होगी है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, कारोबार खुलते हैं, तो हम बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम इनके यहाँ आगे करेंगे। अंदर जो सिटिंग है इनकी, वो भी आपको दिखाएंगे और किस तरह ये सर्विस होती है वो उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे दोबारा आएंगे इनके पास। सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचती हैं, हमारे वीडियो मेकर जो हैं सैयद बाबा तसीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो खाना हमारे लिए आया है, तो मैं ये शाह साहब से कहूँगा कि इससे आगाज़ ये करें ज़रा। हसन भाई ने तो टेस्ट करवाया हमें, लेकिन शाह साहब से कहूँगा कि आप सर साथ हमें बताएँ कि ये कैसा जायका इनका। माशाल्लाह जी, ये तो मेरा पहले ही फेवरेट है, नान बनो बीफ पुलाव। बड़ी मेहनत से, बड़े हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं इधर का ही रह चुकी हूँ, बड़ी बड़ी दूर से लोग इधर आते हैं इंजॉय करने के लिए। तो नाज़रीन, आपका भी चक्कर लगे तो इधर हमारे शहर में चांदा किला बाईपास में खान बनू पे चक्कर लगाएं। आपने बहुत सी बिरयानी और पुलाव पहले भी खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा ये भी टेस्ट करें। मेरे ख्याल से ये पंजाब का बेस्ट पुलाव है, खान बनू बीफ पुलाव। बिलाहर जी, वो मौका आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था, तो मैं अब टेस्ट करने जा रहा हूँ खान बनू बीफ पुलाव गुजरांवाला चांदा किला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए, वाकई यहाँ पे टेस्ट है, और लोग जो आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से वो ऐसे ही नहीं आ रहे, बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रूर आप टेस्ट करें खान बनू बीफ पुलाव चांदा किला गुजरांवाला। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको खाने पीने के हवाले से प्रोग्राम ज़रूर दिखाएँगे। तब तक के लिए अपने होस्ट वासिफ़ बहारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।